आज भी मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर का मसला कहीं गया नहीं है। आज भी हमारे हर गांव में कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान भरे हुए हैं। जम्मू में शमशान का, जिसमें हमारे हिंदू लोग भी मारे गए, हमारे कश्मीर के लोग भी मारे गए। और मसले जो का तुम है, बल्कि 370 खत्म करने के बाद मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। इसलिए मैं समझती हूँ कि बीजेपी ने चाहा कि मसले कश्मीर को 370 तक लाके उसके बाद 370 के साथ स्टेट हो जाएगा, तो मसले कश्मीर 370 को खत्म कर दे। अब मसले कश्मीर की बहस जो इस वक्त है, पहले तो थी इलेक्शन पे, अब सीट शेयरिंग है कि किसको कितनी सीटें मिलती है। मैं समझती हूँ मसले कश्मीर बहुत पेचीदा मसला है। हमारे हजारों नौजवानों की शहादतें, जिसमें हमारे मुल्क के जवान भी शामिल हैं, जो वर्दी पहन के यहाँ आके शहीद हो गए, और हमारे अपने जम्मू कश्मीर के लोग हैं। तो हमारे हजारों बच्चियां बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, तो ये जिंदा मिसाल है। हो सकता है वो शहीद है, मगर वो जो हमारे कब्रिस्तान है वो जिंदा मिसाल है कि मसले कश्मीर जो का तुम है। और हाल ही में जो इलेक्शन हुए, उसमें भी खासकर नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने दिखाया कि वो मसले कश्मीर को भूलने के लिए तैयार नहीं। जिस तरह उन्होंने एक शख्स जिसके ऊपर उन्हें इल्जाम लगाया कि ये हुर्रियत पसंद है, ये सेपरेटिस्ट के साथ मिला हुआ है, ये टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है, उसको कामयाब बनाया, उसका मतलब है मसले कश्मीर है। इसलिए पीडीपी की जो पॉलिसी है, जो मुफ्ती साहब का डॉक्ट्रिन है, जो मुफ्ती साहब का विजन है, जिसको उन्होंने शुरुआत की, उसको एक तो कई लीडर है वो विजन की बात करते हैं, वो एजेंडे की बात करते हैं, और 70 साल से सुना है हमने, मगर मुफ्ती साहब वाहिद ऐसे लीडर हैं जिन्होंने एजेंडे की बात की और उसको इंप्लीमेंट करके दिखाया, चाहे वो वाजपेयी जी थे, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डायलॉग हुआ पाकिस्तान के साथ भी, यहाँ के सेपरेटिस्ट के साथ भी, रास्ते खुले रावलाकोट भी और यहां से उड़ी भी। तो इसीलिए उसी को हम आगे चलाना चाहते हैं। हम समझते हैं, हमारा मानना है जम्मू कश्मीर 370 का मामला नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का मामला नहीं है, खाली जम्मू कश्मीर इलेक्शन का मामला नहीं, ना सीट शेयरिंग का मामला है, उसको कितनी सीटें और मुझे कितनी सीटें। हमारे लिए जम्मू कश्मीर एक जिंदा मसला है, एक इंसानी मसला है।